सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम सुशील तिवारी है और मैं आशा संस्था से हूँ। आज मैं ग्राम ढुरसरू में आया हुआ हूँ और हमें इस बात की जानकारी लगी है कि हमारे जनजागृति समूह के किसान भूपेन ठाकुर आज यहाँ पर अंकुरण परीक्षण करने वाले हैं। अंकुरण परीक्षण कैसे करते हैं, चलिए आज हम उनसे इस बात की जानकारी लेते हैं। भूपेन भैया राम राम। राम राम सुशील भैया। और सुशील भैया आओ बैठो बैठो। धन्यवाद भैया। अच्छा भूपेन भैया। हाँ भैया। आप हमें ये बताएं आज आप क्या करने वाले हो? भैया आज हम चने के बीज का अंकुरण परीक्षण करने वाले हैं। अच्छा भैया, भैया आप हमें ये बताएं। हाँ भैया। कि आप अंकुरण परीक्षण क्यों करते हैं? भैया हम अंकुरण परीक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि अंकुरण परीक्षण से हमें बीज दर निर्धारित हो जाती है। अच्छा भैया। और अंकुरण प्रतिशत पता चल जाता है और इससे हमें बीज की गुणवत्ता की जानकारी भी हो जाती है। भूपेन भैया आप हमें ये बताएं कि ये जब हम बीज का अंकुरण परीक्षण करते हैं, हाँ, तब हमें उस समय किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है? भैया सबसे पहले हमें बीज अंकुरण के लिए सबसे पहले तो गेहूं चना निकालने के लिए अपने कोई भी बर्तन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा भैया। हाँ, जैसे ये अपन ने बर्तन ये रख लिया चने निकालने के लिए। इसके बाद भैया हमें बोरे की आवश्यकता पड़ती है और इसके बाद भैया हमें एक बाल्टी में पानी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा भूपेन भैया। हाँ भैया। अब आप हमें आगे की जानकारी बताओगे? हाँ भैया। अब इसके बाद हम इस बर्तन में बोरे में से कुछ बीज लेंगे भैया। इसके बाद अब हम इस बोरे में से चार पांच जगह से बीज निकालेंगे। अच्छा भैया। हाँ भैया आप हमें ये बताएं आप ये चार पांच जगह से बीज क्यों निकाल रहे हो? भैया चार पांच जगह से बीज निकालने से ये हर प्रकार के बीज बोरे में से आ जाते हैं हमारे बर्तन में। अच्छा भैया। हाँ भैया अब ये बीज निकालने के बाद आप क्या करोगे? बीज निकालने के बाद भैया इसमें से हम पूरे गिन के 100 दाने अलग कर लेंगे। हम 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100। अब भैया ये अपने पूरे 100 दाने हो गए। अच्छा भैया अब ये 100 दाने हो गए हैं? हाँ भैया ये पूरे 100 दाने हो गए। अच्छा भैया। हाँ भैया। अब आप इसके बाद क्या करोगे? भैया इसके बाद अब हम इस बोरे को गीला करेंगे पानी में।